हमारे को ये लगता है ये जो टहनी है देखो ये काटने लायक है। इसकी अगर मोटाई देखेंगे आप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर बराबर बन रहा है। इसको हम जो है अगर कहीं फ्रूट लेना है तो यहाँ से काट लेंगे, थोड़ा सा अगले साल फिर पीछे आ जाएंगे, अगर नहीं लेना है तो यहाँ से काट सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से काटते हैं, अब यहाँ से वीक शूट आएगी और यहाँ बीमा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे को मतलब फ्यूचर बैंक भी देखना है, अगर हमारे को नहीं चाहिए था तो यहाँ से काट सकते हैं। ये यहाँ पे बीमा बना हुआ है, नीचे को ड्रुपिंग है, यहाँ से इसको निकाल दो, बाकी ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, ये भी ठीक पूरा बीमा बना हुआ है, अगर इसमें कोई कटिंग करने की ज़रूरत है, ये देखो यहाँ कोई फालतू है ना, ये वेस्ट है, ये तो वैसे सारा ही वेस्ट है, इसको ऐसे काट दो, बीमा ही नहीं था। ये हो गया, उसके बाद अब अगर हम देखते हैं इसको, इसमें इतना सा वेस्ट है, बाकी ठीक है। ये टहनी हो गई, इधर से इसको, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ कट मारा था, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग हो रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने बीमा निकाल दिया। देखो स्टॉप कट, ये इसको स्टॉप कट कहते हैं या क्लिक कहते हैं, तो निकल रहा है ना इसमें, अब अगले साल यहाँ बीमा निकलेगा, इसको कोई छेड़ना ही नहीं हमने। यहाँ हमारे को वीक पे रखना है तो इसको निकाल देंगे, हमसे कमज़ोर टहनी रख दी, ये हमारी पूरा बन गया। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये झमघट हो रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, इसको भी इन्होंने रोक दिया है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से निकाल दो। बाकी इसकी प्रोनिंग हो चुकी है, ये भी ठीक है, यहाँ पे इसको इस पे काट दो या इसको यहाँ से स्टॉप कर दो, और इस तरह से इसकी प्रूनिंग हो चुकी है। ये समझाते हुए अगर 3 मिनट लगे होंगे कटिंग करते हुए, तो 1 मिनट का कार्य था। इसमें कोई डाउट है, 20% इसमें कोई डाउट है, कोई आपको लगता है कि नहीं यार ये रख दिया और ये नहीं होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को डाउट है तो बताइए। और अगर नहीं डाउट है तो आप ये देखिए, ये देखिए कि इसमें अब फ्रूट कितना लगने वाला, बीमा कितना है, काउंट कर सकते हैं आप यहीं से कितना बीमा है। हाँ बिल्कुल, जो 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 चीज़ें थी यहाँ इतनी थिन करनी थी कि थोड़ी थोड़ी निकाली थी, क्योंकि जो डेड होगी वो निकाल दी है। कुछ बीमा अगर हमारे पास काफ़ी आगे को निकलेगा, यहाँ था, यहाँ मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे यहाँ एक बीमा ऊपर को तो निकाल दिया है। हमारे कैंप्स चलेंगे, ये उस टाइम के लिए तैयार रहेंगे, और फ्रूट थिनिंग भी करा के देंगे। फ्रूट थिनिंग का जो न्यूजीलैंड में समय, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जब रॉयल की फ्रूट थिनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है जस्ट आफ्टर पेटल फॉल, जब स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है तो फ्रूट थिनिंग तब से स्टार्ट कर लेते हैं। और एक्चुअल टाइम फ्रूट थिनिंग का वॉलनट के साइज से, अखरूट के दाने का जब बनेगा, क्योंकि उस टाइम तक जिसने ड्रॉप होना होगा, फॉल्स पॉलिनेशन होती है, जिसने ड्रॉप होना होगा ड्रॉप हो जाएगा, जिसने साइज चेक हो रहा होगा उसमें कम पॉलिनेशन हुई है कम हो जाएगा, जिसने लीड करना वो लीड कर जाता है, वो बढ़िया बनता है, तो हम उसी को रखते हैं, बाकी हाथ से ही उस टाइम, और कैंची की जरूरत नहीं होगी इसमें, आराम से हाथ से बड़े फास्ट तरीके से आप थिनिंग कर सकते हैं। और थिनिंग का वही आपको आइडिया लगाना है कि भाई हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये जो लगभग अगर ये हो गया 1.5 इंच, आधा इंच से थोड़ा ऊपर है, आधा इंच से ऊपर है, तो इसमें हमारी अभी लगभग 1 या 2 ही फ्रूट रहेगा, वो भी फ्रूट आपको ऊपर की साइड ही, नीचे की साइड वाले तो सारे थिन हो जाए। ये काफ़ी ऊपर चले गया है, और इसमें ये एक निकल जाएगा, अगर लंबा आदमी है तो काट दो इसको, करना ये वाली जो टहनी है इसको काट दो, और ऐसे इतना ये भी थोड़ा सा ऐसे काटना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको निकाल दो, और इसको भी निकाल दो, ये भी स्ट्रॉन्ग जा रही है, बल्कि तो हाँ निकाल दो, इसको भी आधी कर दो इधर, हाँ वीक कर, अरे अरे और इसके साथ, ठीक है। और इसमें से इसको थिन कर दो, एक ये तो टहनी बन जाएगी, इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको थोड़ा सा पीछे लाओ, और बाकी ये ठीक है सारा ही इसके नीचे। अगर हमारी क्या आदत होगी, हम ऐसा करने लग जाओगे, हम यूँ, इसको ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की, हमने बस जैसे ये स्टॉप किया था, इन्होंने स्टॉप कर दिया था यहाँ पे, अब ये टहनी नहीं चाह रहे थे, तो ये देखो स्टॉप हो गया, पर इधर को निकल गया, हमारे को इसको यहाँ से ये काट के छोटा कट लगा देना, ये स्टॉप वाली ये टहनी नहीं है, जब इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है तो ये टहनी नहीं है, बीमा है। तो इस तरह से करके आप
स्ट्रॉन्ग टहनी देखनी है, सिर्फ हमने जो स्ट्रॉन्ग है उसको उड़ा देंगे। ये तो ऐसे भी गलत है। ये पिछले साल यहाँ से काटी थी, फिर भी रिस्पॉन्स ऐसे चले गया। इसको ये यहाँ देखो, यहाँ काटा था और निकल गया। ये आगे कुछ ये यहीं से स्टॉप कर देंगे। लो, ये ऑलमोस्ट हो गई है आपकी प्रूनिंग। कितना सा कार्य होता है इसमें? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मुकेश जी आ जाओ। अगला कार्य ये हमारे टेक्निकल फैसिलिटेटर है, तो ये स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है ये अंदर को जा रहे हैं। अगर ये जो टहनी है ना, देखो यहाँ से इन्होंने पहले परमानेंट, ये बड़ी मोटी हो गई थी। सबसे पहले यहाँ रिस्पॉन्स स्टडी करना है, बड़ी मोटी हो गई थी तो इन्होंने यहाँ से काटा। यहाँ से काटने के बाद भी देखो इसमें जान बहुत थी और कितनी मोटी निकल गई है। तो अब ये यहीं से, यहाँ देखो ये यहाँ से निकाल सकते हैं, कम जो आगे ज़्यादा नहीं जाने देनी, या यहाँ से कर देंगे। ठीक है, ये टहनी प्रून हो चुकी है। अब सेकेंड टहनी पर आओगे, सेकेंड टहनी इसका एरिया जो अगर देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया जितना ये साइज है। यहाँ से काट लो, स्टॉप कहीं से भी स्टॉप कर लो। ठीक है, अब आप ये वाली जो देखो डबल टहनी है, यहाँ निकाली थी दो निकल गई, एक रखनी है कमजोर वाली, हाँ जो जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है या उसमें बीमा ज़्यादा है, तो इसको निकाल दो ऊपर वाले को, यहाँ से यहाँ जस्ट अरे थोड़ा ताकि इसमें बीमा निकल जाए। बाकी ओके हैं, ये भी इसको आप जो है यहीं से काट दो। ये स्टॉप हुई हुई है, ठीक है, और इसको यहाँ से काट दो। ठीक है, ये हो गया, इसको नीचे से यूँ काट दो, इसको भी यहाँ से काट दो। और यहाँ भी देखो इन्होंने स्टॉप किया था, यहाँ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जल रहा है, और इसको चाहिए यहाँ से निकाल दो आप, या यहाँ से निकाल दो। अब ये चलेगी, ये यहाँ पे भी ऐसे ही है, डबल डबल हुआ है। ये देखो इधर को भी चल रहा है, इधर को, ये तो रहने दो इसको, समर किया था इसको। अगर इस साल लेना है तो इतना काट दो। ये भी वैसे ही है, डबल समर में निकालने की थी ये ना रमन। कुछ चीज़ें देखो ये, फिर यहाँ पे काफ़ी ज़ख्म लग रहे हैं, इसको निकाल दो, स्टॉपिंग कर दो इसको। वो उसमें देख लो, उसमें उस वाली टहनी में, परे वाली टहनी में, इसमें इसमें ये देखो स्टॉप की वैसे तो निकल रहे हैं, ये बढ़िया निकल गया, इसको काट दो। ये ठीक निकल रहा है, इसको यहाँ से काट दो, इसको ये काट दो बड़ा, इसको यहाँ से काट दो। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड। ये देखो यहाँ डबल है इधर, इसको यहाँ भी मैं काट दो, छोटा कर दो। इसको कर सकते हैं, अगर एरिया है तो रख सकते हैं। एक फ्रूट लगना है, हाँ सबसे पहले तो हमें देखना है कि फ्रूट कहाँ लगना है, ये में देखना है। उनसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस में पत्ती लगनी है, किस में फ्रूट लगना है। अब जो बीमे हो गए ऐसे ना नाखून की तरह हार्डवेयर के, उनमें तो पत्ती निकलेगी, जो सॉफ्ट हो गए थोड़े, तो आपने देखना कि फ्रूट लगना है। हम क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, एक कर दी काट दी ऊपर ऊपर से, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बीमा ये क्या, ये ऐसे है, इसमें पत्ती निकलनी है हार्ड में, जो सॉफ्ट होगा उसमें फ्रूट लगेगा। तो आपने कोई टहनी ऐसे छोड़ देनी है ऊपर से, क्योंकि फ्रूट लगना है। ऊपर को देखो, इसको भी करो क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसको तो यहाँ से कर दो। ऑलमोस्ट अभी थोड़ी थोड़ी स्टॉप कटिंग है, कांगे लंबू बस इनको स्टॉप कट कर दो।
एक जो देखो ऐसा ये जो टेढ़ा है ना इसे जा रहा है तो इसको भी काट सकते हैं इस साइड को जो हाँ मॉडिफाइड हो जाएगा क्योंकि ऊपर जब हेड है ना हेड हमेशा है नहीं मेरा मन ध्यान रखना मॉडिफाई कर सकते हैं जरूरी नहीं उसको क्योंकि ग्रोथ रोकना शुरू करें बस इसको नहीं काटना इसको काटो इसको छोटा करो ये तो अब सब छोटे होंगे ना ऊपर तो वो बनाना है पिरामिड बनाना है यूँ आने चाहिए कट कट करके ऐसे 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 करें थोड़ा थोड़ा नीचे चलो फिर भी रिस्पॉन्स रेडी करना कि लंबा कट्टा छोटा कट्टा ये जो है फोटोग्राफ रिस्पॉन्स रेडी है कि कहाँ निकला जैसे अभी आप जाओगे ना एक एक कट में देखना सब में कि पिछले साल कट्टा हाँ हाँ और नीचे आगे वाला छोटा कर दो बस बाकी जो नहीं ये है सिर्फ स्ट्रॉन्ग पेन इसको इसको यहाँ इस पर ये इधर थोड़ा एक दो बीमा ले लो बस बाकी अदरवाइज जिस तरह से बोल रहे हैं ब्रह्मन जी ये लगेगा बस बहुत है इसमें सी ठीक है जी देखो कितना टाइम लगता है इसके लिए किसी को कोई फिर भी पूछना है तो बताइए अदरवाइज आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा सारे एक एक पौधे के पास जाओ और वहाँ जो जो कट लगे वहाँ क्या हुआ है वो देखो और फिर मैं एक एक से पूछूंगा सारे अपने अपने पौधे पे चले